अप्रैल महीने की शुरुआत में ही ताइवान को भूकंप के झटके ने दहला कर रख दिया है। बता दें 3 अप्रैल बुधवार को ताइवान की राजधानी ताइपे में भीषण भूकंप आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.4 मापी गई है।不要摸电线！你的阿爸呀！那个瓦斯哎、欸，可以吗？有瓦斯哎、欸。भूकंप से भीषण तबाही हुई है, वहीं बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई है। इतना ही नहीं, देश भर में ट्रेन सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं स्कूलों और सरकारी दफ्तरों का काम बंद करने का विकल्प भी दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें, ये भूकंप इतना जबरदस्त था कि इसके बाद जापान के 2 द्वीपों पर सुनामी आ गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भूकंप से अब तक 1 शख्स की मौत की खबर आई है, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि आंकड़ा लगातार बढ़ भी सकता है। ताइवान में आए इस भूकंप की कई फोटोज और वीडियोस सामने आई हैं, जिनमें साफ तौर पर इमारतों को ढहते देखा जा सकता है। कई घर और इमारतें तो रेत की तरह ढेर हो गईं। बता दें, भूकंप की वजह से ताइवान में भारी तबाही और नुकसान हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि 25 सालों में ताइवान में लोगों ने पहली बार इतनी बड़ी त्रासदी का सामना किया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस प्राकृतिक घटना के बाद सुनामी की भी आशंका है।里面还有人吗？哎，那个，不要摸那个电线，很危险！不要摸电线！你的阿爸呀！那个瓦斯哎、欸，可以吗？有瓦斯哎、欸。7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने के बाद जापान ने अपने दक्षिणी द्वीप समूह ओकिनावा में सुनामी का अलर्ट जारी किया है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि सुनामी की वजह से समुद्र में 3 मीटर यानी 9.8 फुट तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। आपको बता दें, इससे पहले ताइवान ने साल 1999 में भीषण भूकंप का सामना किया था। उस बीच लगभग 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही लगभग 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।